सभी लोगों को नमस्ते नमस्कार। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो चार वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेंगी, तो हम देखते हैं इसी के हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतिहास। ठीक है, इतिहास क्या है? इतिहास एक बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। इसमें हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानने को मिलता है, हमारे पूर्वज लोगों ने क्या क्या संघर्ष किए वो हमें सभी जानने को मिलते हैं, और हमारी एक इच्छा होनी भी चाहिए कि हम सभी चीज़ों को जाने जो हमारे पूर्वज लोगों ने किए हैं। ठीक है, तो इतिहास क्या है ना, इतिहास। ठीक, इतिहास को अगर हम पे सामान्य भाषा में क्या होता है, जो हमारा अतीत होता है, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन। ठीक है, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। दूसरा, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हम इसमें वो उन सभी चीज़ों को जानेंगे जी, इतिहास को पढ़ना कैसे है, कितने भागों में बांटकर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस समय पर क्या पढ़ना है, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कि अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। और इसके जो जनक है वो कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, इसके साथ में आप देखेंगे कि मानव जाति जो है कहाँ आई सबसे पहले, यह हम कह सकते हैं। तो मानव जाति का पालना कह सकते हैं, तो सबसे पहले मानव जाति कहाँ आई? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना भी कहते हैं। किसे? अफ्रीका को। और उसके साथ में जो सभ्यता, मानव सभ्यता का पालना वो किसे कहते हैं? एशिया को। ठीक है, ये तो हो गया हमारा थोड़ा ओवरव्यू। अब हम देखते हैं इतिहास, इतिहास को पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इतिहास को पढ़ने के लिए हम कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में। सबसे पहले प्राक इतिहास, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तीसरा हम बांटेंगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल होगा हमारा। अब इन्हें हम देखते हैं, इन्हें क्या क्या कितने भागों में बांटें। जो प्राक इतिहास होगा इसे हम चार भागों में बांटेंगे, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल। ठीक है, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। क्या बांटेंगे? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। और लास्ट में आएगा ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, इसे जो हम पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता। और इसमें हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और इसे पढ़ेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ये कहाँ पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक काल में। इसके साथ में हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, और आद्य ऐतिहासिक काल में जो पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे और कांस्ययुगीन सभ्यता। अब बात करें ऐतिहासिक में, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल, वैदिक काल। ठीक है, इसके बाद में इसे तीन भागों में बांटेंगे, प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और आधुनिक ऐतिहासिक काल। ठीक है, और उसके बाद में इसी में हम क्या देखेंगे? अब आधुनिक में जो देखेंगे अब इसे अलग अलग, उसके बाद में पढ़ेंगे विश्व इतिहास, विश्व इतिहास। ठीक है, अब देखो प्राक इतिहास की बात करें, प्राक इतिहास किसे कहते हैं? जहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं है। जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पुरातात्विक सिद्धांतों के आधार पर समझते हैं पुरातात्विक की, इसे क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो इस समय के जो लोग थे पत्थरों का प्रयोग करते थे, तो हम लोग पत्थरों को बेस मानकर या उस समय उनके द्वारा प्रयोग की गई चीज़ें या उनके द्वारा जो दीवारों पर बनाए गए चित्र को देखकर जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं पुरातात्विक अध्ययन, और उसके आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल में आप पढ़ेंगे वैदिक काल,
प्राचीन काल, प्राचीन वैदिक काल में आप वेदों की रचना पढ़ेंगे, वेदों के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, इतने में उनकी रचना हुई। और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कई धर्म मिलेंगे, जैसे जैन धर्म हो जाए, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म, चार्वाक, ये सब कहाँ मिलेंगे, वैदिक काल के समकालीन। उसके बाद में फिर प्राचीन की बात आती है, यहाँ से आप देखें सबसे पहले मगध स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगध। यहाँ से मगध से लेकर जब तक मुस्लिम आक्रमण नहीं होगा भारत पर, उस समय के काल को हम क्या कहेंगे? प्राचीन काल कहेंगे। मतलब मगध से लेकर जो हमारा 16 महाजनपद की चर्चा आती है अंगोत्तर निकाय में, उस समय जो 16 महाजनपद की चर्चा है, महाजनपदों से लेकर जो हम पढ़ेंगे कहाँ तक, मुस्लिम आक्रमण तक 712 तक, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राचीन इतिहास। उसके बाद में यहीं पर आप देखेंगे इस्लाम का उदय होगा, और जब इस्लाम का उदय होगा जो ये सदी आएगी मध्य वाली, तो ये कहाँ ले जाएगी? 8वीं सदी से 18वीं सदी तक का जो समय है वो क्या कहलाएगा? मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। और 18वीं सदी से लेकर और अब तक का ये क्या कहलाएगा? आधुनिक काल। तो ये सब चीज़ें हमें क्या है? पढ़नी है। इस तरह से आप देखेंगे प्राचीन काल में, मध्यकाल में आप देखें मुस्लिम आक्रमण पढ़ेंगे सब उसका, इसी मध्यकाल में आप देखें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, ठीक है, चौहान वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश आपको मिलेगा, हौसल वंश मिलेगा, चोर मिलेगा, चेर वंश मिलेगा आपको, पांड वंश मिलेगा, पल्लव वंश मिलेगा, इसी में राष्ट्रकूट वंश मिलेगा आपको। और इसी के बीच में आप देखेंगे उसके बाद में आपको कई ऐसे यहाँ पर राजपूत वगैरह मिलेंगे। और उसके बाद आधुनिक काल में जाएंगे तो यहाँ से जब मुगल साम्राज्य का पतन होगा तो यहाँ से अंग्रेज़ों का शासन आ जाएगा। और अंग्रेज़ों के शासन के बाद में हम क्या होंगे? यहीं पर गांधी जी आएंगे, गांधी पढ़ेंगे। और गांधी के साथ बाद में जब भारत स्वतंत्र होगा तो हम नेहरू युग को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम विश्व पर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इतिहास को पढ़ना है। ऐसे सिंधु सभ्यता में देखेंगे कहाँ कहाँ क्या अवशेष मिले हैं। इस समय के आद्य इतिहास के जो साक्ष्य थे वो लिखित तो थे लेकिन हमने पढ़ नहीं पाए, लिखित थे पढ़ नहीं पाए, इसलिए इन्होंने भी क्या पुरातात्विक जो चीज़ें थी उनका सहारा लिया गया। अब हम इसकी बात करें ऐतिहासिक काल की, ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे ये जो चीज़ें वैदिक काल में लिखेंगे पढ़ी हुई जा सकेंगी, तो इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्लिक आता है। लोग कहते हैं वैदिक काल को आद्य इतिहास में रखना चाहिए, वैदिक काल आद्य इतिहास में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस समय जो चीज़ें थी वो लिखी तो गई लेकिन पढ़ी नहीं जा सकेंगी। अगर हम वहीं पर वैदिक काल की बात करेंगे तो इस समय की जो चीज़ें हैं लिखी भी गई वैदिक काल की, पढ़ी भी गई हैं, तो इसलिए वैदिक काल को आद्य इतिहास में रखना ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया इंट्रोडक्शन, बाकी कल से आपको पता लग गया क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बाकी कल से आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।